हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। छतरपुर जिले में जिला तहसीलदार के ऊपर कुछ अतत्व लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जब तहसीलदार अनिल सबकाले अपने चैम्बर में बैठे थे, तभी कुछ लोग आए और पहले उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो बाहर आए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो वो लोग वहां से फरार हो चुके थे। सुबह में 8:50 को ऑफिस में आया, कुछ कामकाज था। मेरे चैम्बर में मेरा आरआई बबेले और रीडर रामानंद के साथ बैठा हुआ था। उसी दौरान में बाहर फायरिंग की आवाज़ आई और मेरे ऑफिस के कांच जो तोड़ दिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एंटी माफिया के विरुद्ध मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, उसी को दबाने के लिए इस प्रकार का जो है अज्ञात हमलावरों के द्वारा प्रयास किया। करीब 9:10 पे SDM साहब का फ़ोन आया था कि वो अपने चैम्बर में काम कर रहे थे और करीब 8:50 पे वो ऑफिस आए थे। उस टाइम में घटना हुई है जिसमें बाहर खड़ी गाड़ी वगैरह फोड़ी गई है, चैम्बर का कांच वगैरह फोड़ा गया है और लोगों का कहना है कि फायर भी हुए थे। इस संबंध में जांच कार्रवाई की जा रही है, जो जो लोग उपस्थित थे उनके बयान लिए जा रहे हैं। प्रशासनिक कार्य निपटा रहे थे, उनके चैम्बर में जा कर के उनके द्वारा चैम्बर का जो गेट है उसके सारे कांच फोड़े गए और ये जानकारी मिली है कि वहाँ पे गोली चालन भी हुआ है। उसके बाद सारे जो तत्व थे वो वहाँ से तहसील परिसर के पीछे जो गेस्ट हाउस सर्किट हाउस वाला जो रास्ता है वहाँ से निकल के भाग गए और सभी नकाबपोश व्यक्ति थे। उनके खिलाफ में आज हमारे जितने भी तहसीलदार एसडीएम के साथ साथ में कलेक्ट्रेट के सारे कर्मचारी के द्वारा यहाँ एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। जो भी शरारती तत्व है उनके खिलाफ में तत्काल कार्रवाई की जाए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।